प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जिन लोगों का जन्मदिन 14 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उत्तम बनी रहेगी, करियर की स्थिति में भी आपके सुधार होगा, लेकिन इस साल आपको दुर्घटनाओं से और ऑपरेशन से, सर्जरी से बचना होगा। उसके योग आपके लिए बन रहे हैं। साल के अंत में आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है, ये संभावना भी दिख रही है। क्या करेंगे उपाय? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे दर्शकों ने ये पूछा है कि क्या रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है। देखिए, वैसे पूजा करने का जो सामान्य समय है वो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय है, सामान्य समय। लेकिन अगर हम मध्य रात्रि की बात करें तो मध्य रात्रि में मानसिक स्थिति विशेष हो जाती है। इस समय में मन को एकाग्र करना, मन को कॉन्सेंट्रेट कर पाना ज्यादा सरल होता है। इसलिए मध्य रात्रि में अगर आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होती है। तो मध्य रात्रि में अगर आपको मौका मिले, अगर आप कर सकें तो पूजा, उपासना, ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई छोटी सी बात हो गई, छोटी सी चीज सामने आ गई, उनको तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है और ये टेंशन लंबे समय तक रहता है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, टेंशन रहता है, तो क्या करेंगे? एक चांदी का छल्ला जरूर बनवा के पहन लीजिए। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को केवल चांदी का छल्ला। रोज रात को सोने के पहले नमः शिवाय का जप करिए, कम से कम 108 बार, और ज्यादा चाहें और बार। इसके बाद सो जाइएगा और अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करिएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर जो तनाव आपको हो रहा है, ये तनाव आपका दूर हो जाएगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक लोटे में ले जाकर के गंगा जल अर्पित करिए। अगर आपके विवाह होने में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। और अगर ज्यादा गंगा जल नहीं है तो सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो, तो विवाह तय होने में या होने में जो बाधा आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।